तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ये चैनल के जो वीडियोस हैं वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और कोई पार्शल रिव्यूज़ या ओपिनियंस नहीं है, क्योंकि मैं किसी कूरियर कंपनी में ना काम करता हूँ, ना कूरियर कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, ना मैं किसी कूरियर कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है। आप अगर मेरे अच्छे एक्सपीरियंस देखोगे ना, तो उसमें बुरे एक्सपीरियंस भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीवरी कूरियर का, ये देखो यहाँ पे वीडियो देखा आपको, ये वीडियो यहाँ पे वीडियो देखा ना, तो उस वीडियो को देख लेना, उसके एंड में मेरे बुरे एक्सपीरियंस भी है। तो शुरू के कुछ टाइम देख के क्या आपको लगेगा कि सब अच्छे बोल रहे हैं तो हमारा पार्टनरशिप होगा, लेकिन उसी वीडियो के एंड में भी आपको मेरा बुरा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसी तरह से दूसरे जो मेरे रिव्यूज़ है इस वीडियो के, वो भी मेरे मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं किसी कूरियर के साथ पार्टनरशिप में नहीं हूँ, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मेरे वीडियोस इस चैनल के बनाए गए हैं। तो हो सकता है आपके एक्सपीरियंस ख़राब हो, मेरे एक्सपीरियंस अच्छे हो, या मेरे एक्सपीरियंस कहाँ ख़राब हो वहाँ उसी जगह उसी कूरियर के आपके एक्सपीरियंस ख़राब हो, तो ये पॉसिबल है। लेकिन क्या है कि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख कर हम कुछ बेनिफिट कर सकते, ताकि कोई गलती ना हो सके इस ई कॉमर्स शिपिंग सॉल्यूशंस में। ये भी चैनल और वीडियो का पर्पस है। फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट ये पॉइंट्स को समझने के लिए। तो प्राइसिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव रही और एक्चुअली काफ़ी अच्छी रही है, और ऐसा नहीं लगा कि एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, स्पेशली जब पिकअप इतना फास्ट हो गया तो काफ़ी लगता है कि पैसा वसूल हुआ है, ऐसा मुझे लगा। तो वो रही प्राइसिंग की बात, अभी आते हैं डिलीवरी स्पीड। तो जब मैंने पार्सल भेजा था तो जितना मुझे याद है काफ़ी जल्दी उनको पहुँच गया था, 2-3 दिन के अंदर पहुँच गया था, वो भी दूसरे सिटी के बाहर। तो डिलीवरी स्पीड भी काफ़ी अच्छी रही है। तो फ्रेंड्स ईकार्ट का रिव्यू का ना, ये देखिए यहाँ पे एक वीडियो दिखा आपको, ये वीडियो पे आपको पता पड़ेगा कि ईकार्ट का मेरा पिछले साल का रिव्यू कैसे था। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो पिछले साल और इस साल रिव्यू ऑलमोस्ट, पिछले साल बल्कि रिव्यू अच्छा था, इस साल रिव्यू ख़राब रहा है। क्योंकि मैंने जैसे कहा 45 डेज लगा था एक कूरियर को पहुँचने में, तो वो एक काफ़ी पेसिमिस्टिक एक्सपीरियंस रहा है। तो प्राइसिंग के बात मैंने आपसे कही, प्राइसिंग की बात अच्छी रही है और जो डिलीवरी स्पीड वो भी अच्छी रही है। पिकअप मैंने कहा था एक अच्छा रहा था, और डिलीवरी टाइम एक का बहुत ख़राब रहा था और डिलीवरी टाइम एक का अच्छा रहा था। और रेपुटेशन कहूँ तो ईकार्ट तो इंस्टाकार्ट या फ्लिपकार्ट का एक ब्रांच है जितना मुझे पता है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो काफ़ी एक रेप्यूटेड कंपनी है, पुरानी कंपनी है, रिलायबल कंपनी है। लेकिन सच कहूँ तो कोई भी कूरियर कंपनी ना 100% रिलायबल नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे हो, आपका मैनेजमेंट कैसा है, उस टाइम पे कौन सा मैनेजमेंट है, और आपका जो ऑर्डर है वो मेट्रो में है या किसी रिमोट एरिया में है। क्योंकि रिमोट एरिया में ना डिले होने का चांस रहता है, और सर्विस भी डिफरेंट हो, डिले और प्राइसिंग भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये रही बात रेपुटेशन की। अब याद है कस्टमर केयर, तो कस्टमर केयर का एक मेरे को प्रॉब्लम रहा, जब मैंने आपको कहा ना 45 डेज का एक डिले रहा था, तो मैंने उस टाइम ईकार्ट का ईमेल एड्रेस गूगल में ढूंढने की कोशिश की थी, जो वेब पेज मिला उसमें ना ईमेल एड्रेस था ना फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर अगर था भी तो कुछ उसमें कुछ कॉन्टैक्ट रिंग ही नहीं हो रहा था या कुछ था, तो फ़ोन नंबर ईमेल कुछ भी नहीं मिला। और मुझे मजबूरन एग्रीगेटर के थ्रू ही उनको कन्विंस करना पड़ा कि जल्दी उसको कस्टमर को ज़रूरत है तो उसको बेच दीजिए, या किसी भी तरह पार्सल को पहुंचा दीजिए, डिलीवर करवा दीजिए। तो ये मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम रही थी ईकार्ट के साथ कॉन्टैक्ट के बारे में, कस्टमर सर्विस के बारे में। तो ईकार्ट के बारे में ना दूसरे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा ताकि आप कंपेयर कर सको। क्योंकि ना जितना ब्रॉडर पिक्चर मिल जाएगी आपको, इन्फॉर्मेशन जितना मिलेगी उतना आपको कॉन्फिडेंटली आप डिसाइड कर सकोगे कि आप कौन से कूरियर को बुक करें, ये कूरियर बुक करें या वो कूरियर बुक करें। तो ये एक फ़ायदा रहता है, और आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस मिक्स था, मैंने कहा एक पिकअप अच्छा था एक ख़राब था, तो हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो और आपका एक्सपीरियंस अलग हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, कोई भी कूरियर कंपनी डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, कूरियर का डिस्टेंस कितना है, रिमोट एरिया में है या मेट्रो टू मेट्रो है, और प्राइसिंग भी उस पर डिपेंड करती है, और सर्विस और डिलीवरी टाइम भी उस पर डिपेंड करती है। तो आपका रिव्यू अलग, एक्सपीरियंस अलग होगा, मेरा रिव्यू अलग होगा, लेकिन चैनल का पर्पस है कि एक दूसरे से हम सीख कर बेनिफिट कर सके। तो आप अपने कमेंट कर दीजिए आपके एक्सपीरियंस या आपके कुछ इस टॉपिक के क्वेश्चंस, ताकि हम एक दूसरे से सीख कर बेनिफिट कर सके। ये भी चैनल और वीडियो का पर्पस है। फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट ये वीडियो को देखने के लिए।